लेन जनाब अब हम देखते हैं कि लैंग चेन हमारे पास कितने किस्म के टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकती है और मैंने इसको छह कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है सिक्स मेन एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशन जहां पे आप काम कर सकते हैं लैंग चेन के थ्रू पहला है एल एल एम एंड प्रोम्ट आप प्रॉम्प्ट को मैनेज करने में प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज़ करने में आप जेनेरिक इंटरफेस फॉर एल एल एम बनाने के लिए कॉमन कॉमनली से यूज़ कर सकते हैं टू वर्क विद एल यानी कि अगर आपके पास प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा नहीं लिखा तो उस प्रॉम्प्ट को भी आइडेंटिफाई करके अच्छा बनाने के लिए लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं देर आर मॉडल्स आउट देयर कि आप अपनी बात टूटी फूटी बातों में बोलें और वो अंडरस्टैंड करके उसे बता दें मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ छोटी सी मिसाल है आपको समझ आ जाएगी एक छोटे बच्चों को आप चीज़ दिलवाने के लिए एक बेकरी पर या दुकान पर ले गए ठीक है वो बच्चा पूरा सेंटेंस नहीं बोलता वो क्या करता है और आप उसके साथ हैं आप उससे पूछते हैं बेटा क्या लेना है तो वो बच्चा इशारे करता है वो 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 ठीक है इशारे कर लाता है ठीक है आप पूछते हैं बिस्किट लेना है वो कहता हाँ बिस्किट लेना है आप पूछते हैं चॉकलेट लेनी है वो कहता हाँ चॉकलेट लेनी है कोई देसी बच्चा होगा तो मुँह कह देगा पापड़ लेने ने. सो बच्चा वो बता रहा है चॉकलेट बिस्किट इशारे ये सारी चीज़ें तो यही हाल हमारे प्रॉम्प्ट्स का होता है जब हम एल से बात कर रहे होते हैं हम पूरी बात नहीं लिखते हमारे बातों में स्पेलिंग मिस्टेक होती है हमारी बातों में अच्छी इंग्लिश की ग्रामर नहीं होती हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता होता तो अगर कुछ बात भी बोल दी जाए लैंग चेन वो उस बंदे की तरह हैं जो आप हैं आप उस बच्चे को समझ रहे हैं और इसको ट्रांसलेट करके उस दुकानदार को बता रहे हैं कि हमें ये चाहिए यानी कि ए रिक्वेस्ट भेजने से भी पहले आप बच्चे को पूछ के उसको अच्छे अल्फाज के अंदर कन्वर्ट करके आगे लैंग चेन या अपने एल मॉडल के अंदर फिट कर रहे हैं यही काम है आपका प्रॉम्प्स को मैनेज करने का कि आपको जो यूज़र ने बात बोली है वो आपको समझ आ गई आप इसको और भी आइडेंटिफाई अच्छे तरीके से करके फिर एल को देते हैं यहाँ तक समझ आ गई जी बात की और ये एग्जाम्पल आपके लिए बेहतरीन होगी नेक्स्ट हमारे पास चेंस का इसके अंदर यूज़ होता है चेंस क्या होती हैं चेंस गो बियॉन्ड सिंगल एल एंड हमारे पास देर आर सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एल एल एम्स जिन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं मिसाल देता हूँ आपको फिर से चेन कैसे क्यों जरूरी है आप पहले जी पी टी को यूज़ करना चाहते हैं टू मेक प्रॉम्प्ट फिर लेमा को यूज करना चाहते हैं फिर उसको रिफाइन करके जी पी टी फोर को यूज करना चाहते हैं एंड एट दी एंड डाली से आपने इमेजेस लेनी है सो यू कैन चेन मल्टीपल एल एल एम्स टूगैदर इसके लिए चेन्स के लिए आप यूज कर सकते हैं सेटिंग सेकेंड है जी डेटा ऑगमेंटेशन ऑगमेंटेड जनरेशन आप बेसिकली डेटा को ऑगमेंट भी कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेटा आपके पास पड़ा हुआ है आप कहते हैं कि इस पूरी बुक को समराइज कर दो एल एल एम तो वो काम कर रहे हैं लेकिन जो लैंग चेन है इसके अंदर भी ये खासियत मौजूद है कि नया डेटा जनरेट करते करते वो डेटा ऑगमेंट भी कर रहे हैं यानी कि आपका डेटा जो है उसको रेप्लीकेट करके जनरेटिव ए के तौर पर आपको समराइज़ करके दे रहा है अगर एक पूरी बुक की आप समरी चाहें पांच बुलेट पॉइंट्स में सो इट कैन डू दैट काइंड ऑफ टास्क और वहाँ पे लैंग चेन यूज़ की जा सकती है समराइजेशन के टास्क के अंदर या आपके पास जो लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट होता है उससे क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए एजेंट्स के तौर पे यूज़ हो सकता है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि डिसीजन मेकिंग के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए लैंग चेन को आप यूज़ कर सकते हैं देन मेमोरी को स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एंड देन आपके पास अवैल्युएशन अवैलुएशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एल एल एम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं दिस वॉज इन बेटा फ्यू डेज ए गो अभी पता नहीं है कि ये बेटा वर्जन से ऊपर आ गया कि नहीं लेकिन अवैल्युएशन कैन बी यूज़ टू एक्चुअली सी कि कौन सा मॉडल अच्छे मैट्रिक्स पे पूरा उतर रहा है कौन सा नहीं पूरा उतर रहा सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें और लैंग चेन को यूज़ करना चाहें तो प्लीज़ उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़ें एंड बेस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंटेशन यू शुड नो कि किस तरीके से हमारे पास लैंग चेन जो है वो यूज़ हो सकती है अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे मिलनी है मैं स्क्रीन आपके सामने लेके आता हूं एंड वी वुड लाइक टू सी हियर मैं यहां पे क्लिक करता हूं एंड देन वी विल सी कि हमारे पास लैंग चेन किस तरीके से आती है मैं यहां पे लिखता हूं लैंग चेन लैंग सॉरी लैंग चेन ये नावे वाला मैंने लैंग चेन लिखा ये मेरे पास इसका पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड वी विल सी किस तरीके से लैंग चेन हमें हेल्प आउट कर सकती है और ये आपके पास डॉग्स पे आपने जाने जस्ट अटेकिंग समाइम लैंगचे लैंगच डॉक्स पे जाके ये आपके पास पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है ठीक है अब यहां पे जो पर्सन चौथ मैंने आपको एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पढ़ाया था हारपा डॉट ए वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने के बजाय हारपा ए की, की एक्सटेंशन जो है उसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं बाय चैटिंग विद द पेज ठीक है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे और जी के थ्रू इस पर आंसर आएंगे ये दिस वॉज जस्ट फॉर द सेक कि अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो ये है जी हमारे पास लैंग चैन गेट स्टार्टेड इंस्टॉलेशन कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया पीप इंस्टॉल लैंग चेन करनी होती है एंड देन यू कैन गो टू वर्ड्स क्विक स्टार्ट गाइड एंड हेयर यू कैन सी किस तरीके से क्विक स्टार्ट आप इसे कर सकते हैं ठीक है और क्विक स्टार्ट से पहले आपने ओपन ए आई को भी इंस्टॉल करना होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है ओपन ए आई इंटीग्रेशन पैकेज को भी आपने इंस्टॉल करना है और वहाँ पर आप ओपन ए आई का पैकेज कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ ओपन ए आई इन टू चैट लैंग चेन एंड देन यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ सिर्फ ओपन ए आई नहीं हम इन शाह हगिंग फेस को भी देखने वाले हैं सो so, दिस ज हाउ यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स यूजिंग लैंड चेन कुक बुक में जाएं अगर आप तो यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रॉम प्लस एल एल एम आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर ठीक है द मोस्ट कॉमन एंड वैल्यूएल कंपोजिशन इज टेकिंग प्रोम प्लस लार्ज लैंग्वेज मॉडल फिर आपके पास आ जाते हैं रैग रैग क्या होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन ये क्या करता है ये एक्ूरेसी या वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देता है ट्रू योर लार्ज लैंग्वेज मॉडल और इसको भी आप लैंग चेन के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं सो so, हमारे पास कुक बुक में प्रॉन्ग प्लस एल एल एम रैग्स हैं फिर हमारे पास मल्टीपल चेन्स हैं क्वेरी ए एस क्यू एल डेटा बेस भी है एजेंट्स भी हैं हमारे पास कोड राइटिंग की ऐप बन सकती है रूटिंग बाई समेंटिंग सिमिलैरिटी भी आप कर सकते हैं मेमोरी ऐड कर सकते हैं एडिंग मोडरेशन कर सकते हैं मैनेजिंग प्रॉम्प्ट साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड यूजिंग टूल्स देर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक दैट सो अगर हम रैग जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं और इस पर बड़ी हम बात करेंगे बिकॉज दिस इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लेकिन अभी के लिए इंस्टॉलेशन के बाद आगे स्टेप्स क्या हैं अब उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम लैंग चेन मॉडल को यूटिलाइज कर सकते हैं इनसाइड पाइथॉन और आज का पूरा टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है ए पी आइज़ क्या है जो हमने पहले देख लिया लैंग चेन क्या है उसको हमने देख लिया नाउ वी विल यूटिलाइज़ द पावर ऑफ ए पी आईज़ फ्राम ओपन ए आई एंड हगिंग फेस टू डू सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग और हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करेंगे विदाउट इवन डाउनलोडिंग अग लार्ज लैंग्वेज मॉडल ए पी एस के थ्रू हम उसको यूज करेंगे लेट्स डू इट इन आर नेक्स्ट लेक्चर